नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार 2024 में जो बच्चे भी क्लास ट्वेल्थ के बाद देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सीयूटी यूजी का फॉर्म आ चुका है। जो बच्चे नहीं जानते सीयूटी क्या होता है, मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में समझाना चाहूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप देश के लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, फॉर एग्जाम्पल BHU, DU, JNU, JMI, ऐसे बहुत सारे हैं, एक ही जगह एक ही गेटवे के थ्रू उनके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक ही पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, कंडक्टिंग बॉडी है NTA, वही पेपर बनाती है, आपका सेंटर दिया जाएगा, आप जाके वहां एग्जाम दोगे, फाइनली आपका रिजल्ट आएगा, फिर यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे और उसके बाद फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। ये आपको मैंने बहुत ही कम शब्दों में समझाया। इसके बाद भी अगर आपके पास समस्या होगी, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ आप काउंसलिंग करा सकते हो। साथ ही साथ हमारे यहाँ ऑल यूजी कोर्सेस चल रहा है, जिसका इस वीडियो के बाद पूरी डिटेलिंग वीडियो जाने वाली है। यानी 55 से 60 दिनों में आप अपने सीयूटी का हमारे यहाँ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी को आप एक बेहतर रिजल्ट के तौर पे तैयार कर सकते हो। अब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी यूजी का फुल डिटेलिंग क्या है, लाइक सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, ये तमाम चीजें जो है इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पीछे आपको जो दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पे, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, जहां पे एक इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने खोल के रखी है ऑलरेडी, मैक्सिमम चीजें यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आपके पास इस बार 6 सब्जेक्ट से चूज करने का ऑप्शन है, पहले 10 हुआ करता था, अब घटा के 6 कर दिया गया है। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम यही होने वाली है कि ये 6 सब्जेक्ट चूज कैसे करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि आपको BSc करना है, BSc के लिए अगर आप मैथ के लिए जाते हो तो 3 डोमेन कंपलसरी है। BHU में अगर BSc करना चाहते हो 3 डोमेन कंपलसरी है। डोमेन क्या होता है, जो आपके 12वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे लिख के रखा हूँ, समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि आपको BSc मैथ करना है तो 3 डोमेन आपको डिस्कस करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब आपके पास 3 ही और ऑप्शन है चूज करने का, क्योंकि आपने 3 चूज कर लिया है। अब कोई बच्चा, यानी वही बच्चा जो BSc मैथ करना चाहता था, वो एग्जाम्पल के तौर पर BA भी करना चाहता है, वो ऑप्शन के तौर पे BA भी लेकर चल रहा है। अब आप BA अगर करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। तो एक उसने लैंग्वेज चूज कर लिया, अब उसके टोटल कितने चूज हो गए, 4। अभी उसके पास 2 ऑप्शन और है। यही बच्चा BA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, BHU के लिए जो है वो लैंग्वेज GT है, तो एक तो GT और चूज कर लिया, अब उसके टोटल कितने हो गए, 5। अभी भी उसके पास 1 बचा हुआ है। यही बच्चा अगर लॉ भी करना चाहता तो उसको डोमेन में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज किया था, उसी तरीके से उसको एक और डोमेन चूज करना पड़ेगा, वो है लीगल। तो टोटल उसने डोमेन 4 चूज कर लिया, 1 GT, 1 लैंग्वेज, इस तरीके से वो अब यहां से एलिजिबल है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, खासकर BHU के लिए, 3 कोर्स के लिए, लॉ, BA एंड BSc मैथ के लिए। यही एग्जांपल के तौर पे आप किसके लिए देख सकते हो, BSc एग्रीकल्चर के लिए देख सकते हो, BCOM के लिए देख सकते हो। ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी जो बच्चे बहुत फ्रेशर होंगे, सो प्लीज आप लोग कॉल करके इंक्वायरी करिएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, बाकी कोर्स की डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्ट हो गए तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपके पास लगभग इस बार 33 लैंग्वेज होंगे, 27 डोमेन होंगे और आपके पास 1 GT होगा, जनरल टेस्ट। ये जनरल टेस्ट बहुत सारे में कंपलसरी है, जैसे कि आपके BCOM में है, जैसे कि आपके लॉ में है, आपके पास एग्रीकल्चर में है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी इसको चूज कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीधे आ जाते हैं जो मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा हूँ, ठीक है, सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस में आपके पास लैंग्वेज है, जनरल टेस्ट है, डोमेन है, जो कि इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का पूरा एक मैं आपको पूरा डिटेलिंग दूंगा, यानी कंप्रिहेंशन कितना आएगा, ग्रामर कितना आएगा, तमाम चीजें, तो स्पेशल वीडियो आएगा कि लैंग्वेज के लिए कितनी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद जनरल टेस्ट, ये जनरल टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट के बेसिस पे कई सारे कोर्सेज एडमिशन लेती है, तो जनरल टेस्ट का भी प्रॉपर, जैसे उसमें नंबर सिस्टम भी है, मेंसुरेशन भी है, ये तमाम चीजें जो आती हैं उसमें, बेसिक अर्थमेटिक, मैथ, रीजनिंग, ये तमाम चीजें आती हैं, तो ये पूरा डिस्कस करूंगा मैं। और डोमेन आपके बच्चों का डाउट रहता है तो ये 12th की बेसिस पे आ रहा है, ठीक है, ये 12th की बेसिस पे आ रहा है। जैसे कि आप
बीएससी मैथ या बायो करना चाहते हो तो आपके जो ट्वेल्थ वाली बीएससी मैथ बायो की एनसीईआरटी किताब है आपको बेसिकली उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन का मैंने क्लियर कर दिया, बाकी दो मैं कमिंग वीडियोस में ले आऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपका कोई अपडेट मिस ना होने पाए, क्योंकि मैं 3 दिन के अंदर पूरे वीडियो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न हम लोग देखते हैं। पेपर पैटर्न में मैं आपको स्टार्टिंग बताया कि 6 सब्जेक्ट से चूज करना है, 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन, 1 जीटी के बेसिस पे आपको 6 चूज करने हैं। यहां पे मैंने आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रखा है लैंग्वेज और डोमेन के लिए, यानी कि लैंग्वेज और डोमेन के लिए आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 चूज करना है, 10 ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। और जीटी के लिए 60 क्वेश्चन आएगा और 50 आपके पास चूज करना होगा, यानी वहां पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो टाइम दिया जा रहा है वो लैंग्वेज और डोमेन के लिए 45 मिनट दिया जा रहा है, ठीक है, सबके लिए 45 मिनट दिया जा रहा है। कुछ एक्सेप्शन में है, कौन कौन से एक्सेप्शन में है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्शन दे रखा है, वो है मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट के लिए भी ये कितना समय देंगे आपके पास, 60 मिनट देंगे, बाकी के लिए कितना देंगे, बाकी के लिए 45 मिनट देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब बच्चों का अक्सर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि सर जो एग्जाम होगा ये सीबीटी मोड में होगा या ओएमआर बेस्ड होगा। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओएमआर मतलब होता है जो आपके पास ये कॉपी पेन के थ्रू होता है, जो आप लोग गोला रंग के आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ काउंट्स इन पर्टिकुलर कोर्सेज, यानी एक कोर्स में जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो मैक्सिमम फॉर्म भरा जाएगा जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सपोज की इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप किया गया तो इंग्लिश वाला ओएमआर बेस्ड होगा। सपोज की एग्रीकल्चर पर्टिकुलर उस डोमेन में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो एग्रीकल्चर जो है ओएमआर बेस्ड होगा। इस तरीके से ये बाद में डिसाइड करेंगे कि किस कोर्स को ओएमआर करना है और किस कोर्स को ये लोग सीबीटी मोड में कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या चूज, बेसिकली फॉर्म भरते वक्त ये सब चीजें आपको चूज करने का मौका मिलेगा, लैंग्वेज चूज करने का मौका मिलेगा। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं एक टीम बना रहा हूं जो कि आपके फॉर्म को फिलअप करेगी ऑनलाइन। जैसे आप लोग साइबर के पास जाते हो, फॉर्म फिलअप कराते हो, कोई गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पे 3-4-5 लोग हैं जो कि फॉर्म फिलअप करने का काम करना चाहते हैं, मेरे को कॉन्टेक्ट किए थे। मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को बहुत जल्दी प्रिपेयर करो, आने वाले 5 मार्च तक मैं प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप उनसे ही फॉर्म फिलअप करवा लो, क्योंकि वो लोग बेसिकली इन सब चीजों का जो डाउट है, हाउ टू चूज लैंग्वेज, यही लैंग्वेज आपके एज अ लैंग्वेज आएगा। जैसे होता है ना कि आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हो और आपने लैंग्वेज चूज किया है, ये कंफ्यूजन बार बार रहता था, ये सब डाउट जो है ना वो लोग क्लियर कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे इंग्लिश यूनिवर्सल है, इंग्लिश आप कुछ भी चूज करो, इंग्लिश पेपर आना ही आना है। आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी इंग्लिश आना ही आना है, लेकिन आप बंगाली चूज करते हो तो हिंदी नहीं आएगा, आप इंग्लिश और बंगाली में आएगा। उर्दू चूज करते हो तो इंग्लिश और उर्दू में आएगा, हिंदी नहीं आएगा, ये है, ठीक है। तो ये डाउट आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेना। आपके एग्जाम जो है वो 3 शिफ्ट में होने हैं, सुबह, दोपहर, शाम तक एग्जाम होना है। तो ये मैक्सिमम चीजें मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया। और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहां आप कॉल करके कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये पेपर जो है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें एक ही सही होगा और आपको वो सही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ देने की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं सिलेबस वगैरह के बारे में, जैसे जनरल टेस्ट का इन्होंने आप बता रखा है, लेकिन इसको और डीपली समझेंगे हम लोग कि पर्टिकुलर हिस्ट्री से कितना पढ़ना है, ज्योग्राफी से कितना पढ़ना है, पॉलिटी से कितना पढ़ना है, इकोनॉमिक्स से कितना पढ़ना है, ये करेंट अफेयर्स लगभग हमें कितने महीने का कवर करना है, और मंथली कवर करना है, वीकली कवर करना है, कहां से कवर करना है, ये तमाम चीजें जो हैं वो हम लोग कमिंग वीडियोस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 से 15 ऐसे जीटी के लिए पर्टिकुलर वीडियोस ले आऊं जिससे आपका बेहतर प्रिपरेशन हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे अवेलेबल रहेगा वो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं 2024 CUT UG में जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत बेहतर प्रिपरेशन करेंगे, और कोई डाउट रहता है तो मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे, वहां पे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराएंगे। और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं, और हाँ इस 2024 यूजी के फर्स्ट वीडियो के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे पूरे कमिंग वीडियोस जो भी आते हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि ये चैनल आपको सब कुछ देगा, ऑफिशियल अनऑफिशियल अपडेट्स भी देगा, आपको पढ़ाएगा भी, और काउंसलिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये चैनल हो जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। कुछ मिसिंग रहेगा तो कमिंग वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट।